उपस्थित थे। बीडर के होटल कृष्णराज भटेवर पर अहीर स्वाभिमान यात्रा का स्वागत अखिल भारतीय अहीर महासभा उदयपुर द्वारा किया गया। यह यात्रा भालका तीर्थ सोमनाथ गुजरात से आरंभ हुई और सोमवार को बीडर पहुंची। स्वागत के दौरान समाज के स्वजाति बंधुओं ने मेवाड़ी पगड़ी एवं उपरना उड़ाया गया। फिर इस यात्रा को रैली के रूप में भिंडर रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया। वहां समाज के राधा कृष्ण मंदिर में आम सभा का आयोजन किया। यात्रा में आए सबलाराम अहीर और प्रदीप भाई अहीर ने संबोधित करते हुए कहा कि रेजांगला की लड़ाई में अपने 120 अहीर भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए और चीन की 700 सैनिकों से लोहा मोल लेकर चौकी पे कब्जा नहीं करने दिया। आज भी रेवाड़ी में अहीर धाम बना हुआ है जहां प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। पहले हमारी अहीर रेजिमेंट हुआ करती थी जो अंग्रेजों द्वारा बंद कर दी गई। हम वापस भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं। इसी को लेकर यह रैली निकाली जा रही है और प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड के द्वारा भी अहीर रेजिमेंट की मांग की जाएगी। सभा को महासभा के जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल अहीर ने और युवा जिला अध्यक्ष माधव अहीर ने भी संबोधित किया। ये विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ये एक थीम उन्होंने दी। हम उनके देहावसान जहां हुआ था वहां की मिट्टी लेकर के हमारे गुजरात के नवयुक्त भाई सारे जो पूरी टीम है वो वहां की मिट्टी लेकर के हम राजस्थान यूपी हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक उस मिट्टी को पहुंचाएंगे और उसके साथ हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो सब लोगों में एक एकता कायम करना, स्नेह और प्रेम बढ़ाना और स्नेह और प्रेम के आधार पे हम सब लोगों को साथ लेकर के जो भगवान श्री कृष्ण किया करते थे हम इस मैसेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस देश के इतिहास में पहले केवल एक सेना हुआ करती थी जिसको हम नारायणी सेना कहते हैं, युद्ध के नाम से, देश की रक्षा के नाम से, लेकिन समय बीच में ऐसा काल आया जिसके कारण से हमारे समाज की जो है कोई रेजिमेंट नहीं बनी, जिसमें अंग्रेजों ने पुनर्गठन के अंदर हमें अलग कर दिया था। अब उस रेजिमेंट का गठन भी हम करवाएं और सब समाजों से हमारी बात रखी जाए, सब समाज हमारी अहीर रेजिमेंट का समर्थन करे, हम इस तरह का एक भाव लेकर के हमारे नवयुग गुजरात से आए हुए हैं। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस सरकार की आम किसानों एवं बेरोजगार